सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल विल बी वेरी गुड। तो आज मैं आपके साथ आलू का पराठा बनाने की एक बहुत ही आसान सी एंड ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आलू का पराठा खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है एंड इसे बनाना भी बहुत आसान है। आलू के पराठे बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग ट्राई किया है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 7 से 8 आलू ले लिए हैं। सबसे पहले हमें आलूओं को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे एंड इसके बाद हम इन्हें प्रेशर कुक कर लेंगे। प्रेशर कुक करने के लिए मैंने आलू को कुकर में डाल दिया है। हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, उसके बाद हम इसमें लेड लगा के हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक हम इसे अच्छे तरीके से प्रेशर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे 5वीं सीटी आ गई है एंड अब हम कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ एंड आलू में अब हम इसकी सीटी निकलने का वेट कर लेते हैं। आलूओं की जो सीटी होती है बहुत ही जल्दी निकल जाती है, 4 से 5 मिनट लगते हैं एंड सीटी आसानी से निकल जाती है। आप चाहें तो इसकी सीटी खुद भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी सीटी निकल गई है एंड अब हम आलूओं को बाहर कर लेंगे। सारे आलूओं को मैंने निकाल लिया है एंड ये गर्म है तो अब हम इनकी छिलके उतार लेते हैं, क्योंकि अभी ये गर्म है तो छिलके आसानी से निकल जाएंगे। आलूओं को मैंने छिलके उतार दिए हैं, अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम पराठा के लिए आटे का डो रेडी कर लेते हैं। तो डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल आटा लिया है, जो आटा हम रोटी बनाने के लिए डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो वही आटा हमने लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीबन ऑयल एंड इसमें पानी डालते हुए हम जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा रेडी कर लेते हैं, वैसे ही हमें नॉर्मल सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेना है। तो डो हमारा रेडी हो गया, अब हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे आलू को ठंडा होने के बाद मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया था। साथ ही इसे तड़का करने के लिए मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज साथ ही कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं। मसालों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गर्म मसाला, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, साथ ही जीरा लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं, थोड़ा ही 2 चम्मच के करीबन ऑयल ऐड करना है। तेल हमारा जैसे ही गर्म होता है 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे के साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीबन ये खड़ा धनिया ऐड किया है, इसे हम थोड़ा चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन साथ ही अदरक जिसे मैंने क्रश कर लिया था ऐड करेंगे। इसी के साथ प्याज एंड हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। तो लगभग 1 मिनट तक सॉटे करने के बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पे थोड़ी सी हरी मटर ऐड करेंगे। हरी मटर बिल्कुल से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसकी जगह मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी मटर भी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम थोड़ी सी मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में सबसे पहले मैंने 1/2 चम्मच ये होममेड हल्दी का यूज किया है। इसी के साथ 1/2 चम्मच ये धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच ही गरम मसाला, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही 1 चम्मच नमक एंड इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मसाले की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे मसाले पक गए हैं। तो अब हम इसमें जो कद्दूकस हमने आलू किए थे उसे ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम आलू को ऐड करेंगे एंड इसे चलाते हुए हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करने से क्या होगा कि आलू को चलाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो आलू का स्टफिंग है वो बनके बिल्कुल से रेडी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम पराठा बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आलू को मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है एंड 5 मिनट बाद हमारे आलू ठंडे हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं पराठा बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आटा लेना है, जो डो बनाकर हमने रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे एंड इसमें से हम कुछ बॉल शेप में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से जो नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं, रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोइयाँ हमने बना लेनी है। तो यहाँ पे 4-5 बन गई है, तो मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ, बाकी को हम साइड में रखते हैं एंड एक को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोई हमारी बन गई है एंड अब हम इसे थोड़ा सा सूखे आटे में डिप करेंगे
एंड इसे हम थोड़ा सा बेल भी लेंगे। थोड़ा सा ही बेलना है हमें, ज़्यादा नहीं बेलना है। उसके बाद हम इसमें आलू की स्टफिंग को फिल करेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप स्टफिंग करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ध्यान रहे आपको स्टफिंग उतनी ही करनी है जितने में आपके पराठे फटे नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डाला है। एंड इसे हम चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से तरीके से कवर करेंगे एंड इसकी अच्छी सी लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसकी लोई बनके रेडी हुई है। तो अब हम वापस से इसे सूखे आटे में डिप करेंगे एंड इसे बहुत ही सावधानी के साथ हल्के हाथों से घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे बेल लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से ही बेलना है। देख सकते हैं हमारे आलू का जो पराठा है वो बेलने में कितना आसानी से बेल गया है, यानी बिल्कुल भी फटा भी नहीं है, ये एकदम से अच्छा परफेक्ट बना है। एंड इसकी जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल से परफेक्ट है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं एंड सेम प्रोसेस से जो बाकी के पराठे हैं हम उन्हें भी बना लेते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस से हमें दूसरा पराठा भी बना लेना है। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। एंड इसे भी अच्छे तरीके से चारों तरीके से घुमाते हुए बीच में लाकर इसकी गोल शेप में लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। इसकी भी लोई बनकर बिल्कुल से रेडी हो गई है एंड इसके भी हम सूखे आटे में डिप करेंगे एंड थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो दूसरा पराठा भी हमने यहाँ पे बना लिया है, ये भी एकदम से परफेक्ट बना है। तो अब इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं एंड अब हम चलते हैं इसकी सेकने की प्रोसेस में। तो यहाँ तवा मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, तवा गर्म भी हो गया है। तो सबसे पहले हम एक पराठा डालेंगे एंड एक साइड इसे पकने देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे एंड अब हम इसमें ऑयलिंग करेंगे। तो हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बहुत ही कम तेल पर हम यहाँ पे आलू का पराठा बनाने वाले हैं जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए इसे चारों तरफ से दबाते हुए अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो अब हम इसे दूसरी साइड में भी ऑयलिंग कर देते हैं एंड इसे दबाते हुए अच्छे तरीके से हमें चारों तरफ से पका लेना है, जिससे हमारा आलू का पराठा है जो वो ऊपर के साथ साथ अंदर से भी अच्छे से पक जाए। हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, अदरवाइज ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पराठे को चारों तरफ से दबाते हुए अच्छे तरीके से सेक लिया है और हमारा जो आलू का पराठा है वो बन के बिल्कुल से रेडी है। तो यहाँ पे पराठा सेक गया है एंड अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं एंड जो बचा हुआ पराठा है उसे भी हम सेम प्रोसेस से सेक लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे पराठों को बना लेना है। ये आलू का पराठा खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप इसे अपने किसी भी मनपसंद चटनी, हरे धनिए की चटनी, टमाटर की चटनी, सॉस या फिर सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।